लेकिन आप इसी तरह का महाराष्ट्र के अंदर, आपको मालूम है कि धनगर समाज, अगर हम 48 लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 4 लोकसभा की सीटों के अंदर तो सिवाय धनगर का कोई आना ही नहीं चाहिए। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय से मैं दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के हक अधिकार की आवाज को उठाता रहता हूँ और देख रहे हैं साथियों लंबे समय से एक वीडियो लगातार आप लोगों के पास भी पहुंचा होगा और वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इम्तियाज अली एक सांसद हैं महाराष्ट्र के, जिन्होंने इस धनगर समाज की आवाज उठाई है जिस धनगर समाज को इस लोकतंत्र के अंदर कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा। पूरे देश के अंदर धनगर समाज अपने हक अधिकारों की आवाज को उठा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर ST का दर्जा प्राप्त करने के लिए, जो कि उसे संवैधानिक रूप से पहले से दिया गया, उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर SC का दर्जा धनगर समाज को दिया गया है, उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है और ये सबके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की अहम भूमिका है, क्योंकि इससे पहले भी मुरादाबाद के सांसद ST हसन समाजवादी पार्टी ने भी आवाज उठाई थी। सदन के अंदर तमाम सांसदों ने आवाज उठाई है, लेकिन उसके बावजूद भी मुद्दा हल होने का नाम नहीं ले रहा। मुख्य तौर पर यदि मैं कहूं तो इस बार जो इम्तियाज अली ने इस धनगर समाज की आवाज को बेबाकी से उठाने का काम किया है, यकीन मानो साथियों, इस धनगर समाज का आरक्षण लेकर के, इस धनगर समाज के आरक्षण का लाभ लेकर के जो लोग सांसद और विधायक बने हैं, इन लोगों के मुंह में जीवान नहीं है कि सदन में ये एक शब्द भी धनगर समाज के प्रति बोल पाए। इनने जो एहसान फरामोशी किया है समाज के साथ में, ये समाज कभी नहीं भूलेगा। महाराष्ट्र के अंदर धनगर समाज की आवाज लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इम्तियाज अली ने उठाई है, उनको बारंबार नमन करते हैं, पूरे समाज की ओर से उनको, उनके दिल का सम्मान करते हैं। यकीन मानो साथियों, जिन लोगों ने इस धनगर सर्टिफिकेट का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर लिया है, सांसद भी बने हैं, विधायक भी बने हैं, तमाम बड़े बड़े पदों पे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसी धनगर समाज की आवाज उठाने में इन लोगों को शर्म आती है। केवल लाभ के लिए जो लोग धनगर बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों से मैं नफरत करता हूं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लाभ के लिए कोई काम नहीं करना चाहते, हम लालच बस आकर के कोई काम नहीं करना चाहते, हम केवल सच्चाई की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और जो सच की लड़ाई में हमारे साथ हैं, केवल वही साथ रहें। साथियों, यहां लड़ाई अपने हक अधिकारों की है, यहां लड़ाई अपने मान सम्मान की है, यहां लड़ाई अपने खोए हुए अधिकारों की है। सच्चाई तो यही है कि यदि आज भी हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो आखिर करेगा कौन? MIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पर उनके सांसद ने जो आवाज उठाई है इम्तियाज अली ने, ये कहीं ना कहीं बड़ा देखने वाली बात है कि एक दूसरे धर्म का व्यक्ति, दूसरे समाज का व्यक्ति आपके लिए सदन में आवाज उठा रहा है और पूरी शिद्दत से आवाज उठा रहा है, पूरी ताकत से आवाज उठा रहा है। लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने सदन में दिया है इसी धनगर समाज के लिए, इसी धनगर समाज के हक अधिकारों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो जाती है कि जो लोग सत्ता में हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, यही लोग आपके घोर विरोधी हैं। साथियों, आप लोगों को भी इन लोगों से सवाल करने चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठानी चाहिए, जमीनी स्तर पर आंदोलन करने चाहिए, क्योंकि कांसीराम जी कहा करते थे, यदि आपकी संख्या सदन में नहीं है तो
तो आपकी संख्या रोडों पर दिखनी चाहिए। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक आपके हक अधिकार मिलने वाले नहीं। साथियों, केवल आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अपने समाज को एजुकेटेड बनाएं, और एजुकेटेड समाज ही जानता है कि उसके मौलिक अधिकार क्या हैं, उसके संवैधानिक अधिकार क्या हैं। जब तक आप एजुकेटेड नहीं बनाएंगे, उसको इस देश में चलने वाले आरक्षण की व्यवस्था ही समझ में नहीं आएगी। आज ऐसा कोई समाज है ही नहीं जो आरक्षण का लाभ नहीं ले रहा है, ना कल कोई ऐसा समाज था जिसको आरक्षण संविधान के बाद नहीं दिया गया। संविधान के पहले तो उन लोगों को भी आरक्षण था, जो लोग अक्सर ये कहते चले आए हम बिना आरक्षण के बढ़ते रहे। इनडायरेक्टली सभी लोगों को आरक्षण रहा है, और आज बहुत बड़ी तादाद में आरक्षण है, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, उनकी स्थिति दयनीय है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इम्तियाज अली जी का फोटो मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लगा दिया है, जिस तरह से आपने देख ही लिया था। साथियों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब के अंदर आपके हक अधिकार की आवाजों को कोई सही ढंग से उठा रहा है लंबे समय से, तो वो केवल और केवल दा अहिल्या दस्तक। इसीलिए साथियों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। 20,800 लोगों का हमारा परिवार हो चुका है, जल्द 21,000 लोगों का हमारा परिवार होने वाला है। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, और कहीं ना कहीं हम लोग सशक्त होते चले जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज उठाने का लगातार काम करते रहेंगे। साथियों, इसी तरह चैनल पे बने रहें, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।